चलो आज हम देखेंगे फ्लटर के रोड मैप के बारे में कि हमें फ्लटर डेवलपर बनने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, कौन सी लैंग्वेज हमें सीखनी चाहिए, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमें आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी सीखनी, यानी हमें सबसे पहले डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होगी गूगल के द्वारा जो बनाई गई है फ्लटर। कौन सी IDE यूज कर सकते हैं हम इसके लिए, तो सबसे पहले हम यूज कर सकते हैं VS कोड, एंड्रॉयड स्टूडियो एंड फ्लटर की ऑफिशियल। फिर आता है हमारा यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस में हमें क्या क्या सीखना होगा, हमें इसमें विजिट्स के बारे में सीखना होगा, स्टेटफुल विजिट्स होते हैं जो स्टेटलेस विजिट्स होते हैं, फिर उनकी एक्सेसिबिलिटी के बारे में सीखना होगा, और क्या सीखना होगा हमें इनहेरिटेड विजिट्स, थीमिंग सीखनी होगी, लोकलाइजेशन सीखना होगा। स्टाइल के अंदर हम यूज करते हैं मटेरियल एंड कुपरटिनो, ठीक है। एसेट्स के अंदर हम यूज करते हैं SVG, ऑडियो, फॉन्ट्स, इमेज एंड वीडियोस। फिर बात आती है अपनी स्टैटिक यूजर इंटरफेस की। सबसे पहले आता है व्यू। व्यू के अंदर आते हैं जैसे टेक्स्ट आ गया, इमेज आ गई, बटन आ गया, राइट बटन आ गया। राइट बटन की जगह अब यूज करने लगे हम एलिवेटेड बटन। फिर आता है व्यू ग्रुप। व्यू ग्रुप में हमें क्या क्या सीखना होगा कि हमें कंटेनर के बारे में पता होना चाहिए, रोज के बारे में पता होना चाहिए, कॉलम्स के बारे में पता होना चाहिए, स्टैक विजिट के बारे में पता होना चाहिए, एक्सपेंडेड के बारे में पता होना चाहिए, कंटेनर बॉक्स के बारे में पता होना चाहिए। फिर आता है आपका डायनेमिक इंटरफेस। डायनेमिक इंटरफेस के अंदर आते हैं आपके लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू एंड एक्सेप्शन टाइटल्स। फिर आते हैं आपके एनिमेशन। एनिमेटेड विजिट्स के बारे में देख सकते हैं हम, एनिमेटेड कंट्रोलर के बारे में देख सकते हैं, हीरो विजिट के बारे में देख सकते हैं हम। फिर आता है एनिमेटेड बिल्डर आ गया, क्राउड एनिमेशन आ गया, ट्रांसफॉर्म आ गया, ये सारी चीजें आती हैं आपके एनिमेशन के अंदर। फिर आता है स्टोरेज के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। स्टोरेज के लिए हम यूज कर सकते हैं शेयर्ड प्रेफरेंस फाइल स्टोरेज हो गई, या फिर हमारा ऑफलाइन डाटाबेस हो गया SQLite, ठीक है। थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज कौन कौन सी यूज कर सकते हैं हम, इसमें HTTP हो गया, गेट इट हो गया, फ्लटर वेब व्यू प्लगइन्स हो गया, SQLite की होगी, ब्लॉक पैटर्न की होगी, डिव हो गया, ठीक है, कैच डी नेटवर्क इमेज हो गई, फॉन्ट ऑसम फ्लटर हो गया, RX डार्ट हो गया। ये चीज़ें हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज ही हम यूज कर सकते हैं अपने UI को बेटर बनाने के लिए, हमारी डाटाबेस HTTP यूज करते हैं हम API वगैरह को कॉल करने के लिए, ठीक है। फिर आते हैं बिहेवियर कंपोनेंट्स। बिहेवियर कंपोनेंट्स में हमें परमिशंस के बारे में देखना होगा, मीडिया प्लेयर के बारे में देखना होगा, लोकल नोटिफिकेशन के बारे में देखना होगा, प्रेफरेंसेस के बारे में देखना होगा, पुश नोटिफिकेशन के बारे में देखना होगा, ठीक है, शेयरिंग कैसे कर सकते हैं, डाउनलोड मैनेजर के बारे में देख पढ़ना होगा। फिर आते हैं स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट के अंदर आते हैं आपके सेट स्टेट। तो स्टेट मैनेजमेंट के अंदर हमें देखना होगा सेट स्टेट मेथड, प्रोवाइडर, रेडेक्स, ब्लॉक, मोबैक्स, ठीक है। फिर क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर आते हैं आपके फायरबेस, क्रेस्टिक्स, ऐप डिस्ट्रीब्यूशन, एनालिटिक्स, टेस्ट फाइटर, ऐप सेंटर, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं आपके क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर आते हैं, ठीक है। फिर आता है वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल के लिए हम यूज करते हैं गेटअप, गेट, ठीक है, गिट लैब, बिट बकेट, और फायरबेस के अंदर हम यूज करते हैं फायरबेस ऑथ, फायरबेस डाटाबेस, फायरबेस स्टोरेज, फायरबेस मैसेजिंग, ठीक है। नेटिव इंटीग्रेशन के अंदर हम यूज करते हैं एंड्रॉइड। एंड्रॉइड के अंदर हम यूज करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो, जावा का हो गया, कोडिंग का हो गया, ऐप साइनिंग, गूगल प्ले स्टोर, ऐप परचेज। यानी अगर हमें कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जैसे एंड्रॉइड के लिए नेटिव करनी हो तो हम क्या करेंगे, जावा के अंदर कर सकते हैं, कोडलिन के अंदर कर सकते हैं। ऐसे ही iOS के लिए करना होगा तो हमें एक्सकोड के अंदर करेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें स्विफ्ट, ऑब्जेक्टिव सी, एप्पल सर्टिफिकेशन, एप स्टोर, ये चीजें हमें चाहिए होंगी। तो ये 16 टिप्स हैं जिनकी हेल्प से आप क्या बन सकते हो, एक अच्छे फ्लटर डेवलपर बन सकते हो, जो आपको हेल्प करेंगे आगे चल के एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए।